सबसे पहले तो हमारे सभी दर्शकों और दोस्तों को मेरा तन्वी बंसल का बहुत बहुत नमस्कार। हमारी संस्था फ्यूचर पॉइंट की ओर से आप सभी को नववर्ष 2019 बहुत बहुत मंगलमय हो। हमारी आशा है ये साल आपके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं लेकर आए और आप सभी के सपनों को साकार करने वाला हो। ऐसी ही कामना करते हुए हम आपके सामने प्रस्तुत हैं अपने नए कार्यक्रम राशिफल 2019 के साथ। यह राशिफल वैदिक ज्योतिष पर आधारित है। क्या इस साल आपका बिजनेस ग्रो करेगा? धन से जुड़े मामलों में आपको किन चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा? कब खत्म होगी अच्छी नौकरी की तलाश? साल 2019 आपके करियर के लिए क्या नया लेकर आने वाला है? क्या ये वर्ष आपको अपने जीवन साथी से मिलाएगा? ये सब हम आपको बताएंगे। नए साल में कब करें एक नई शुरुआत? दोस्तों, नया साल जैसे जैसे नजदीक आता है, हर व्यक्ति अपने जीवन के बारे में जानने के लिए उत्सुक हो जाता है। ज्योतिष शास्त्र के जरिए हर व्यक्ति की राशि के आधार पर उसके आने वाले वक्त के बारे में पता लगाया जा सकता है। इस वर्ष आपकी कुंडली के अनुसार ग्रहों की कैसी दशा रहेगी, राहु शनि बृहस्पति आपकी कुंडली के किन भावों पर विराजमान होकर और आपको क्या रिजल्ट्स देंगे, हम उम्मीद करते हैं कि इस राशिफल की मदद से आप इस साल में नए पैमाने तय करें और जिंदगी में किसी प्रकार का जोखिम लेने से पहले एक ज्योतिषी की सलाह अवश्य लें। इसके लिए आप हमारी वेबसाइट www.futurepointindia पर लॉगिन कर सकते हैं और हमारे विश्वख्यात एस्ट्रो एक्सपर्ट्स को कंसल्ट कर सकते हैं। वर्ष 2019 में क्या कहते हैं आपके सितारे, आइए जानते हैं राशिफल 2019 के अनुसार नव वर्ष क्या क्या नया आपके लिए लाया है। आइए अब बात करते हैं कुंभ राशि की। नया साल आपके लिए नई खुशियां लेकर आने वाला है। धन लाभ तो आपको होगा ही, साथ ही जो जातक अपना खुद का घर बनाना या खरीदना चाहते हैं उनका सपना भी साकार होगा। इस साल में आपको कई नए बदलावों के लिए तैयार रहना होगा। नौकरी में परिवर्तन के लिए अप्रैल का महीना आपके अनुकूल रहेगा। ट्रांसफर और प्लेस चेंज के संकेत भी इस समय में मिल रहे हैं। इस पूरी अवधि में हेल्थ को लेकर आप एकदम चुस्त दुरुस्त रहेंगे। आपकी ऊर्जा का स्तर भी चरम पर होगा। शैक्षिक पक्ष से यह वर्ष मिला जुला रहेगा। व्यापारियों को साझेदारी के प्रस्ताव आ सकते हैं। जोखिमपूर्ण क्षेत्रों में धन निवेश करने से आपको बचना होगा। हालांकि पिछले सालों में किए गए इन्वेस्टमेंट इस साल अच्छे रिजल्ट देंगे। किसी प्रेम प्रसंग या नए जीवन साथी का जीवन में आगमन हो सकता है। आइए अब बात करते हैं आपके करियर, आपके प्रोफेशन की। नौकरी में परिवर्तन के लिए अप्रैल का महीना अनुकूल है। ट्रांसफर और प्लेस चेंज के संकेत मिल रहे हैं, इसलिए इस समय में आप नई नौकरी प्लान कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त मई से जुलाई के मध्य का समय भी आपके लिए अत्यंत अनुकूल रहेगा। गुरु इस अवधि में आपके कर्म भाव और बाद में आय भाव पर गोचर करेंगे। यह स्थिति प्रमोशन और आपके पावर्स के एनहांसमेंट में हेल्प करेगी। आजीविका और करियर के पक्ष में यह समय आपको अपनी योग्यता दिखाने का भरपूर अवसर देगा। करियर के लिहाज से यह अवधि आपके लिए कई बेहतरीन अवसर लेकर आएगी जो आपको शिखर की ओर ले जाएंगे। वर्षांत में आपके करियर में बदलाव आएंगे और आपको नौकरी में असहजता का अनुभव होगा। अपने से सीनियर से भरपूर सहयोग प्राप्त न होने के कारण ऐसा हो सकता है कि आपको कार्य क्षेत्र में तनाव की स्थिति महसूस हो। साल के अंत में आपको कुछ नए ऑप्शंस जरूर मिलेंगे। अब बात करते हैं हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से क्या नया लाया है साल 2019। इस पूरी अवधि में हेल्थ को लेकर आप बिल्कुल भी परेशान नहीं होंगे। आपकी ऊर्जा का स्तर बना रहेगा, आप चुस्त दुरुस्त रहेंगे। आप हेल्दी एंड बैलेंस्ड डाइट का भोजन लेना न भूलें। शनि का प्रभाव आपकी जन्म राशि पर आने के कारण आप कुछ समय के लिए निराश हो सकते हैं। आप में विनम्रता की कमी और रूखापन सामान्य से अधिक रहेगा। चिंता, तनाव और व्यर्थ की नकारात्मकता से आपको बचना होगा। साल मध्य से स्थिति में कुछ बदलाव होगा, उसके बाद आप अपने हेल्थ के लिए सतर्क रहें। एकदम चुस्त और फिट रहने की जो भावना आपके मन में रहेगी उससे आपके जीवन में पॉजिटिविटी आएगी। कोई खास आपको किसी भी तनावपूर्ण स्थिति के लिए प्रेरित कर सकता है, इससे बचें। हेल्थ को लेकर इस साल आपको स्वयं पर ध्यान देने की जरूरत पड़ेगी। खासकर सितंबर के महीने में कुछ गड़बड़ होने की संभावनाएं हैं। मूलतः पूरा साल हेल्थ बहुत अच्छी बनी हुई है। आइए जानते हैं अब आपके फाइनेंसेस के बारे में। जहां तक आपकी आर्थिक स्तर की बात है, आप एक लाभदायक अवधि की अपेक्षा कर सकते हैं। मई और जून भले ही उतने लाभकारी नहीं होंगे क्योंकि इस समय कुछ ग्रह आपके प्रतिकूल बने हुए हैं। हालांकि ये समय निवेश के अनेक बेहतरीन अवसर लेकर आएगा। आधुनिक तकनीकों का प्रयोग कर आप अपनी योजनाओं को मजबूत बना सकेंगे। साल मध्य 2019 से आपको कई निवेश प्रस्ताव और लाभकारी सौदों के प्रस्ताव आने लगेंगे। जहां आर्थिक लाभ की बात आती है, वहां आप अचानक किसी परिवर्तन की अपेक्षा कर सकते हैं। व्यापारियों को साझेदारी के प्रस्ताव आने शुरू हो जाएंगे। जोखिमपूर्ण क्षेत्रों में धन निवेश करने से आपको बचना होगा। साल के अंत में व्यापारियों और व्यवसायी क्षेत्र में नए निवेश करने का समय है। किसी की सलाह लेना लाभदायक रहेगा।
अब समय है 2019 में एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करने का। शैक्षिक पक्ष से यह साल मिला जुला रहेगा। अध्ययन करते रहना और लग्न में किसी भी तरह की कमी ना रहने देने से आपको मेहनत के फल अवश्य मिलेंगे। शिक्षा और अध्ययन में इरेगुलरिटी असफलता की वजह बन सकती है। अपने गुरु और अध्यापकों की सलाह और मार्गदर्शन का पूरा लाभ उठाने का प्रयास करें। जून 2019 से विदेश में शिक्षा ग्रहण करने वाले छात्रों को सफलता मिल सकती है। प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल होने वाले छात्रों के लिए जुलाई अगस्त लाभकारी रहेगा। विदेश में शिक्षा प्राप्ति के लिए साल का अंतिम मास भी आपको सहयोग देगा। मनोनुकूल विषयों में प्रवेश चाहने वालों की मेहनत और प्रयास में कमी के संकेत मिल रहे हैं। विदेश में शिक्षा प्राप्त करने के इच्छुक छात्रों को सफलता प्राप्त होगी। 2019 के अंत में शिक्षा के क्षेत्रों में अत्यधिक मेहनत करने की जरूरत है, तभी उन्हें सफलता प्राप्ति होगी। कड़ी मेहनत का फल भी उत्तम ही मिलेगा। मुश्किल समय में आत्मविश्वास को बनाए रखें। आइए जानते हैं कैसा रहेगा 2019 पारिवारिक और वैवाहिक जीवन के लिए। पार्टनर के साथ आपके रिश्ते मधुर रहेंगे। आपका विश्वास आपकी शक्ति बनकर सामने आएगा और बहुत सी परिस्थितियों में आपके लिए लाभकारी भी साबित होगा। रोमांटिक पहलू को उजागर कर रहा है यह साल। आप अपने साथी का ध्यान अपनी ओर खींचने में सफल होंगे। इस साल आपके जीवन में कई ऐसे अवसर आएंगे जब आप अपने रिश्ते को एक नई दिशा देना चाहेंगे। इस साल मध्य में अपने प्रियजनों से भी आपको खुशखबरी मिलने के संकेत मिल रहे हैं। आपसी संबंधों में आने वाली छोटी मोटी अटकलों का सामना करने के लिए तैयार रहें और साथी के साथ मिलकर अपने प्यार को एक नया दर्जा दें। दंपतियों के लिए जीवन में उतार चढ़ाव की स्थिति रहेगी, फिर भी दोनों का विश्वास एक दूसरे पर बना रहेगा। बड़े भाई बहनों को के भाव पर गुरु शनि और केतु की स्थिति रिश्तों में तनाव और अलगाव की स्थिति बना रही है, ध्यान रखें। अब आप बात करेंगे आपके लिए एक छोटी सी टिप की। गौ माता की सेवा करनी चाहिए। दूध और चावल मिलाकर किसी गाय को खिलाएं। माथे पर केसर का तिलक लगाएं। हम आशा करते हैं कि हमारा प्रोग्राम आपको बहुत पसंद आया होगा। हमारे चैनल को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बेल आइकन प्रेस करें। आप हमारी वेबसाइट www.futurepointindia.com पे भी लॉगिन कर सकते हैं और अपनी किसी विशेष प्रॉब्लम के लिए हमारे एस्ट्रो एक्सपर्ट से कंसल्ट कर सकते हैं। नमस्कार।